वेलकम बैक बच्चों, हमने पूछा था कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी चीज जानदार है या नहीं। इसका जवाब, लेट्स हैव अ लुक। सब जानदार एक जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं, जैसा कि लिविंग थिंग्स सेल्स से बनते हैं, वो एनर्जी यूज करते हैं, वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। चलें अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, जमात बंदी का पांच किंगडम सिस्टम। पहले हम टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं। मौजूदा दौर में साइंसदान जानदारों की पांच बड़े ग्रहों में जमात बंदी करते हैं, जिनको किंगडम्स कहा जाता है। इन पांच किंगडम्स के नाम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी हैं। इन किंगडम्स की मिसालें दर्ज ज़ेल हैं। किंगडम मोनेरा, मिसाल बैक्टीरिया। किंगडम प्रोटेस्टा, मिसाल एल्जी। किंगडम फंजाई, मिसाल यीस्ट यानी खमीर, मशरूम यानी खुम्बी वगैरह। किंगडम एनिमेलिया, मिसाल जानवर। किंगडम प्लांटी, मिसाल पौधे। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या खुलवी जानदार हैं। शक्ल 1:2। ये रोए जमीन पर हर जगह पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। बास दूसरे जानदारों और मुर्दा अजसाम में पाए जाते हैं और उनसे खुराक हासिल करते हैं। ज्यादातर बैक्टीरिया जानवरों और पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं। एल्जी, एल्जी या खुलवी भी हैं और कसीर खुलवी भी। ये जोहड़ों, झीलों और समंदरों वगैरह में पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी बदौलत ये बजरिया ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक खुद बनाते हैं। एल्जी की आम मिसालें क्लेमाडोमोनास, वॉलोवॉक्स और स्पायरोजायरा हैं। शक्ल 1:3। फंजाई, फंजाई या खुलवी, कसीर खुलवी या रेशानुमा यानी धागानुमा सूरत में पाए जाते हैं। इन सब में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ये अपनी खुराक अपने इर्द गिर्द के माहौल से जज्ब कर लेते हैं। खमीर यानी यीस्ट, राइजोपस और खुम्बियाँ यानी मशरूम्स वगैरह मुख्तलिफ किस्म के फंजाई हैं। शक्ल 1:4। खमीर खुर्दबीनी फंजाई हैं। राइजोपस, जिसे ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, गीली रोटी और फलों पर उगते हैं। खुम्बियाँ छतरी नुमा फंजाई, कूड़े करकट और गोबर के ढेरों पर उगती हैं। जानवर, एनिमल्स, कसीर खुलवी जानदारों का एक बड़ा गिरोह जानवर हैं। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये अपनी खुराक के हसूल के लिए पौधों और दीगर जानवरों पर इन्हिसार करते हैं। पौधे, प्लांट्स, पौधे कसीर खुलवी जानदार हैं। इनमें क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। हम इनकी मजीद जमातबंदी के मुताबिक सेक्शन 1:4 में पढ़ेंगे। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। फाइव किंगडम्स क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल किंगडम्स क्या हैं? हम यहाँ रॉयल्टी की बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करना, क्लासिफाई करना और समझना बहुत अहम है कि वे सब एक दूसरे से किस तरह ताल्लुक रखते हैं। आप मजीद सीख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। वीडियो में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन जिंदगी के कॉम्प्लेक्स और डायनामिक वैरायटी पर लागू होती है, जो ये बताती है कि किस तरह मुख्तलिफ स्पीशीज इकट्ठी ग्रुप की जाती हैं और वो किस तरह एक दूसरे से ताल्लुक रखती हैं। किंगडम क्लासिफिकेशन के तसलसल में रैंक डोमेन के नीचे दूसरे नंबर पर है। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए इस राइम वीडियो को याद रखें। डू कीप पॉन्ड्स क्लीन और फ्रॉग्स गेट सिक, डेफिनेटली कीप प्लकिंग चिकन्स और फेस गेटिंग सैक्ड। लिहाजा आप देखते हैं कि किस तरह किंगडम्स अलग अलग किए जाते हैं। 1969 में एक अमेरिकन प्लांट इकोलॉजिस्ट, जिसे रॉबर्ट विटाकर कहते हैं, उसने दिए गए पांच किंगडम्स से पांच किंगडम क्लासिफिकेशन को मुतारिफ करवाया। प्रोकैरियोटा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, जो अहम तौर पर न्यूट्रिशन में फर्क की बुनियाद पर रखे जाते हैं। हर किंगडम की खसूसियात होती हैं, लिहाजा एक ऑर्गेनिज्म आसानी से इन किंगडम्स में से एक में असाइन किया जाता है। ये खसूसियात सेल वॉल्स पर इन्हिसार करती हैं।
आया कि वो यूकैरियोटिक होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं और इसी तरह वो न्यूट्रिशन हासिल करती हैं। जानवरों से शुरू करते हैं जिसे एनिमिलिया भी कहते हैं। वो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर है और इनकी सेल वॉल नहीं होती। वो ब्लास्टोसिस्ट से पैदा होते हैं जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट का हिस्सा होते हैं। उनमें दोनों नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि वो खुराक खाते हैं और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। वो मोटाइल होते हैं जिसका मतलब है कि वो हरकत करते हैं। सेल डिवीजन जो कि ग्रोथ के काबिल होती है ये टिश्यू में होती है। किंगडम प्लांटा या प्लांट वो यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर जैसा के जानवर हैं। एनिमल्स के अलावा वो सेलुलोज के साथ सेल वॉल्स रखते हैं। वो ऑटोट्रॉपिक हैं जिसका मतलब है कि वो सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं। उनकी ग्रोथ मेरिस्टेम में नहीं होती जो कि तकसीम होने वाले सेल्स की लेयर्स होती हैं। वो नॉन मोटाइल होते हैं और उनमें लीफ गैस एक्सचेंज सिस्टम होता है और वाटरप्रूफ होते हैं। फंजाई किंगडम्स यूकैरियोट्स होते हैं और जानवर और पौधों की तरह मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर भी होते हैं जैसा कि यीस्ट वगैरह। उनकी पौधों की तरह सेल वॉल्स होती हैं, लेकिन उनमें सब्सटेंस जिसे काइटिन कहते हैं होती है बजाय सेलुलोज के। वो हेटरोट्रॉपिक और सेप्रोट्रॉपिक होते हैं जिसका मतलब है कि वो डीकम्पोज होते हैं, टूट फूट जाते हैं, जो कि पैरासिटिक होते हैं। फंगस का जिस्म एक पतले फिलामेंट से मिलकर बना होता है जिसे हाइफी कहते हैं। वो एक्सटर्नल डाइजेशन में एंजाइम्स खारिज करते हैं और हासिल होने वाले न्यूट्रिएंट्स को जस्प करते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम या यूकैरियोट जैसा कि जानवर और पौधे, वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं जैसा कि फंजाई। उनकी सेल वॉल होती है, बाज़ोकात ये पॉलीसेकेराइड्स के साथ होती है। वो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक होते हैं। बिलाखिर प्रोकैरियोटिक किंगडम, वो यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें ऑर्गेनेल्स की कमी होती है जो कि यूकैरियोट्स में देखे जाते हैं। वो बहुत छोटे होते हैं, उनका साइज 10 माइक्रोमीटर्स होता है। इतने छोटे होते हैं कि इंसानी आंख से नजर नहीं आते। उनमें सेल वॉल होती है और ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस के साथ रोशनी के बगैर होते हैं। सब हेटरोट्रॉफिक होते हैं, वो माइटोसिस से नहीं बल्कि बाइनरी फिशन के जरिए तकसीम होते हैं। लिहाजा इस वीडियो से आपको पता होना चाहिए कि किंगडम 5 ग्रुप्स में तकसीम होता है जो कि मुख्तलिफ खसूसियात पर इन्हसार करता है, आया कि उनमें सेल वॉल होती है या यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, और ये भी कि किस तरह वो न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। बच्चों अब काफी कुछ जान गए होंगे, चलिए ये बताएं कि किंगडम किसे कहते हैं। जी हाँ, जानदारों के बड़े ग्रहों को किंगडम कहते हैं और साइंटिस्ट इसे 5 किंगडम्स में तकसीम करते हैं। टॉपिक को समझने के लिए एक और वीडियो देखते हैं। 6 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। जमीन पर मौजूद तमाम हयातियात को 1 से 6 ग्रुप्स में रखा जाता है जो कि मुशाहबत की बुनियाद पर रखे जाते हैं। ग्रुप्स किंगडम्स कहलाते हैं। 6 किंगडम्स प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, आर्काई, प्रोटिस्ट और फंजाई हैं। प्लांट किंगडम के मेंबर्स में फूल, दरख्त, कैक्टसेस शामिल होते हैं और भी इसके अलावा। तमाम पौधे प्लांट सेल से मिलकर बने होते हैं और तमाम प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं क्योंकि वो अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं। एनिमल किंगडम में जो जानदार शामिल होते हैं उनमें बियर्स, फिश, हशरात और दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। तमाम जानवर एनिमल सेल से मिलकर बने होते हैं, उनमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के साथ सेल्स यूकैरियोटिक कहलाते हैं। आखिर में तमाम एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि वो एनर्जी हासिल करने के लिए खुराक खाते हैं। बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया सेल्स एनिमल सेल्स से मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि उनका कोई न्यूक्लियस नहीं होता। बगैर न्यूक्लियस के सेल्स प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। आर्किया बैक्टीरिया जैसे होते हैं क्योंकि दोनों सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स होते हैं। ताहम आर्किया की कीमियाई बनावट बैक्टीरिया के नस्बत मुख्तलिफ होती है। अगला ग्रुप प्रोटिस्ट्स कहलाता है। ये जानदार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं। कुछ मिसालें पैरामीशियम, अमीबाज और यूगलेनाज हैं। मशरूम फंजाई के ग्रुप से ताल्लुक रखती है
एक माल्टे पर मोल्ड फंजाई की एक दूसरी मिसाल है। फंजाई डीकम्पोजर्स हैं क्योंकि वो मुर्दा जानदारों से एनर्जी हासिल करते हैं। लिहाजा जाएं और एक्सप्लोर करें और अपनी दरियाफ्तों को सेल टाइप, खुराक बनाने की सलाहियत और बॉडी में मौजूद सेल्स की तादाद की बुनियाद पर ग्रुप करने की कोशिश करें। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स सॉर्टिंग आउट थिंग्स इनटू ए लिविंग थिंग्स, बी क्रॉप्स, सी नॉन लिविंग थिंग्स, डी नन ऑफ दीज। यस, यू आर राइट, ग्रुप्स। एक और सवाल को देखते हैं। द बॉडीज ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड बैक्टीरिया, सेल्स, फंजाई, नन ऑफ दीज। सही पहचाना, सेल्स। चलिए इसका जवाब सोचें। द ऑर्गेनिजम्स हूज बॉडीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, यूकेरियोट, मल्टी सेलुलर, नन ऑफ दीज। यस, यू आर राइट, मल्टी सेलुलर। एक और सवाल देखते हैं। ऑल द एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमिलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी। यस, दिस इज एनिमिलिया। क्या आप जानते हैं कि कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, यकीनन आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स यानी जानदारों की दर्जाबंदी और उनके बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इससे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज बच्चों।